बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में संवाद किया। उन्होंने बिजनौर से कम उपस्थिति पर नाराजगी जाहिर की, कार्यकर्ताओं से मतदाताओं से संपर्क करने की जानकारी ली, कहा हर मतदाता तक पहुंचे। उन्होंने बूथवार कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और उस अनुरूप हुए संपर्क का फीडबैक लिया। इस सीट से प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त आदि ने उनका स्वागत किया। चुनाव के लिए प्रभारी आगरा के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, नगर विधायक रितेश गुप्ता, विधान परिषद सदस्य गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, निवर्तमान महापौर विनोद अग्रवाल, MLC हरि सिंह ढिल्लो, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र के अलावा मंडल के बिजनौर, अमरोहा, संबल, रामपुर जिलों के भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। आगामी 30 तारीख को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव लगा 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 ठीक है। उसमें से 3 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, मुरादाबाद बरेली, क्या आराम से कर ले, आराम से कर ले, गोरखपुर कानपुर उन्नाव, और 2 सीटें शिक्षक की है, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज और झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 पर भारत अपने प्रत्याशी घोषित कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुरादाबाद में बरेली स्नातक और मुरादाबाद स्नातक खंड के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, हमने अपनी कार्य योजना बनाई और घर घर वोटर से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, श्री जयपाल सिंह व्यस्त हमारे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील सभी कार्यकर्ता करेंगे। हमने इस प्रकार का कार्य विभाजन किया है और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर अधिक से अधिक मतदान कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे और बड़े अंतर से मुरादाबाद, बरेली और 4 सीटें और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, इस प्रकार का विश्वास लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विवादित बयान दिया है, उस पे क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना, उनके मुकदमे वापस लेना, ये तो देश की न्यायपालिका का धन्य है, न्यायपालिका जिसके कारण वो आतंकवादी के मुकदमे उनके वापस नहीं हो पाए। और हमेशा जितने भी धार्मिक तीज त्यौहार हमारी यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम समाजवादी पार्टी रही है, ये उनका इतिहास है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस बयान पर जवाब देना चाहिए कि वो उनकी पार्टी का स्टैंड है या उनका